हेलो एंड वेलकम टू सुपर शिवानी चैनल एंड दिस इज द क्लास ऑफ कुकिंग फूड। माइक्रोवेव में जीरा राइस बनाने के लिए हम यहाँ पर बड़े साइज की बेकिंग बोल ले लेंगे। ध्यान रहे हमारी बेकिंग डिश यहाँ पर बड़े साइज की होनी चाहिए ताकि हमारा चावल और उसके साथ जो पानी है वो ओवरफ्लो ना करे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बड़े साइज की यहाँ पर बेकिंग डिश ली है। इस बेकिंग डिश का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहे तो इस बेकिंग डिश का साइज को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जीरा राइस बनाने वाली हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर प्लेन राइस भी बना सकते हैं। वाटर और राइस का जो रेशियो है वो इतना ही रहेगा। तो सबसे पहले इस बेकिंग डिश में हम यहाँ पर ऑयल को ऐड करेंगे। ये ऑलिव ऑयल है, आप यहाँ पर ऑयल की जगह पर बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च और लौंग, बड़ी इलायची ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आप प्लेन राइस बना रहे हैं। मैं यहाँ पर जीरा राइस बनाने वाली हूँ तो इसे ऐड कर लेते हैं। इसे हम ऑयल में एक बार अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इसे हम 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए इसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे। और 1 मिनट का टाइम आप यहाँ पर क्विक स्टार्ट बटन से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसे 2 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। अब हम इसमें राइस को ऐड करेंगे। राइस आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहते हैं। वैसे मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिया है, आप देख सकते हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर 2 कप ली है। इस कप से मैंने इस राइस को मेजर किया है। यहाँ पर 2 कप ये राइस है और ये बासमती राइस है। तो अब हम इस राइस को इसमें ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर राइस को इस बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब हमने जिस भी कप से चावल को मेज़र किया है उसी कप से हम वाटर मेज़र करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 कप राइस लिया है तो इसके साथ हम 3.5 कप वाटर लेंगे। तो इसे मेज़र कर लेते हैं और इसे इसमें ऐड कर लेते हैं। ये 3 कप हो गया। तो अब हम यहाँ पर 1/2 कप वाटर और ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल हमें 3.5 कप यहाँ पर पानी ऐड करना है। और 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने राइस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस बोल को माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे, नहीं ये पानी सारा ओवरफ्लो कर जाएगा और आपका माइक्रोवेव बिल्कुल ही गंदा हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना होगा। तो इसे हम ऐसे ही एज इट इज़ इस बोल को रख लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इस बोल को माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है। तो अब हम इसे कुक करेंगे। तो अब हम इसके डोर को क्लोज कर देंगे और इसे कुक कर लेंगे। तो सबसे पहले इस राइस को हमें माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे हमें 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो आपको यहाँ पर इसे टेम्परेचर कैसे सेलेक्ट करना है माइक्रोवेव की हाई पावर, यहाँ पर पावर लेवल आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर इसे हमें एक बार प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं हाई पावर यानी कि 100 पावर लेकर आने लगी है। और इसी के बाद यहाँ पर 10 मिनट का हम नंबर पैड बटन से यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर लेंगे 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट का मैंने यहाँ पर टाइम एंटर कर दिया है। तो अब हमें टोटल 10 मिनट यहाँ पर इसे बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी की सेटिंग्स लगाएंगे। पहले इसे हमें हाई पावर पर इसे हमें बॉईल करना है, फिर उसके बाद इसे हम मीडियम पावर पर इसे हम बॉईल करेंगे। तो इसे हमें हाई पावर पर 10 मिनट इसे हमें बॉईल करना है और यहाँ स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और इसे बॉईल कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 10 मिनट 100 पावर पर इसे मैंने कुक कर लिया है और लगभग ये 50% तक यहाँ कुक हो चुका है। तो अब हमें इसे 50% और कुक करना है। तो हमें यहाँ पर बाकी के 50% जो कुक करना है वो हाई लेवल पर नहीं कुक करना है, इसे हमें मीडियम पर कुक करना है। और ध्यान रहे इस राइस को हमें चलाना नहीं है, नहीं ये टूट जाते हैं, तो इसलिए इसे ऐसे ही हम आगे के टेम्परेचर यहाँ पर लगा देते हैं। तो अब हम यहाँ पर फिर से पावर लेवल बटन को प्रेस करेंगे। यहाँ पर अब हमें 50 से 70% तक पावर सेलेक्ट करनी है। हम यहाँ पर 60 लगा देते हैं। आप 50 भी लगा सकते हैं, 70 भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर मैं 60 लगा देती हूँ मिडिल का। तो अब हम यहाँ पर 8 मिनट का यहाँ पर टाइम प्रेस कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 8 मिनट का टाइम सेट कर दिया है और स्टार्ट बटन प्रेस कर लेते हैं और बाकी के 8 मिनट इसे हम ऐसे ही कुक कर लेते हैं, यानी कि मीडियम पावर पर इसे हम 8 मिनट कुक कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और इसे कुक कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारा राइस यहाँ पर अच्छे से कुक हो चुका है। तो इस बोल को हम बाहर कर लेंगे। हमारा राइस यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल अंदर से अच्छे से कुक हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब आप इस राइस को चाहे तो प्लेट से कवर कर लें या फिर इसे सर्व करें, लेकिन ये राइस बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं देखने में। एक बार इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारा राइस बिल्कुल अच्छे से पका हुआ है। थोड़ा बहुत जो पानी दिख रहा है वो गर्म होने की वजह से दिख रहा है, वो बिल्कुल अभी जैसे ये थोड़ा नॉर्मल होगा ये पानी भी गायब हो जाएगा। तो आप इस राइस को गर्मा गर्म एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।